Hi guys, hi, I'm Pranali and welcome back to my channel. Namaste. So today is day 4 in Gokarna and unfortunately this is the last day in Gokarna. हम लोग ready हो चुके हैं, हमारा packing हो चुका है, now checkout का time आ गया है. बहुत ज़्यादा sad, बहुत ज़्यादा sad हूँ मैं और मुझे नहीं जाना यार घर पे. हम लोग ने क्या क्या सोच लिया, एक्सटेंड करते हुए सोच लिया, पता नहीं क्या. अरे वाह, हवा बहुत अच्छी चल रही है, पता नहीं क्या क्या सोच लिया, लेकिन अभी घर तो जाना ही पड़ेगा. और उसके बाद में एयरपोर्ट से ले, गोवा एयरपोर्ट से हमारा फ्लाइट है बॉम्बे के लिए, तो यहाँ से हम लोग गोवा जाएंगे जिसे हम लोग आए थे, और यहाँ से ही हम लोग चले जाएंगे गोवा एयरपोर्ट और गोवा से आ जाएंगे मुंबई. आज ज़्यादा ऐसे कुछ व्लॉग करने जैसे है नहीं, क्योंकि हम लोग बस जा रहे हैं एंड हम लोग कहाँ पर घूम नहीं रहे. हाय, यस आई एम रेडी. तो हम लोग कहीं घूम नहीं रहे, बस यहाँ पर ही है. तो इन दिस वीडियो, इन दिस व्लॉग स्पेशली, आई विल शेयर ऑल द डूज एंड डोंट्स व्हेन यू आर इन गोकर्णा. सो या, अभी बहुत हो गई बटबट, चेकआउट करने का टाइम है, बैग्स तो पैक्ड है. नाउ लेट्स गो. काफी पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेक इन हो चुका, सिक्योरिटी हो चुका, खाना पीना हो चुका, फिर भी डेढ़ घंटा बाकी है. कुछ भी नहीं है एयरपोर्ट पे. अगर आप गोवा एयरपोर्ट से आ रहे हो तो फ्लाइट के एक घंटा पहले आना बस. प्रणाली बोलना वंदे मातरम. भारत की वेरी रिस्पॉन्सिबल नागरिक. फैशनिस्टा, द फैशनिस्टा इन हर हैज कम टू लाइफ. कैसे लगा तेरा? तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन ऐसे कुछ है नहीं जितना जो दिखाते हैं ना, हाइप करते इतना कुछ है नहीं. ये बाइक बैग्स मिल रहे हैं, अभी बस जा रहे हैं. ये रिसिप्ट दिया हुआ है, ट्रेजेडी नंबर 911, किंजल का बैग नहीं आया है, किंजल का बैग नहीं मिल रहा है, बाकी सब हमारा सारे पैकेजेस आ गए. अरे आ गए ना, किधर है ये दिखा, बस किंजल का ही बाकी है. किंजल तो फाइनली किंजल का बैग है, वो मिल गया है. एक्चुअली कैसे मिला, उसका टैग निकल चुका था तो इसलिए उन्होंने वो बैग रिलीज नहीं किया. बट मिस नेहा, शी वॉज वेरी 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 हेल्पफुल एंड उन्होंने वो बैग रिलीज नहीं किया क्योंकि उसका टैग निकल गया था, और कोई उठा के ले जाएगा इसलिए. बट थैंक यू वेरी मच, और किंजल का बैग मिल गया है. So yes, Neha, please. This is for you, the card, lovely card. Yeah. This is a Valentine's going on. Yeah. And oh my especially god. Especially this is for you. Thank oh you. My god, you made my day. Thank you so very much, Neha. Thank you very much. Can I take a clip with you? Your bag was. Yeah, yeah, yeah. Sure, sure, sure. Wait. So our trip's ending was amazing. I got this from Indigo, se, and out of nowhere, it was completely unexpected. इट वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, और उन्होंने आके दिया, किंजल की बैग मिल गई, सब कुछ हो गया. नाउ वी आर एंडिंग दिस परफेक्ट ट्रिप विथ परफेक्ट मील. वी आर एट स्टारबक्स और यहाँ पर हम हमारा डिनर करके
हाँ सब कुछ बंद हो गया, कुछ भी नहीं एयरपोर्ट पे। और हम हमारा डिनर लंच हुए हैं, हम हमारा डिनर यहाँ पे कर रहे हैं अभी, और अभी बज रहे कुछ तो 10 और डिनर करके हम लोग निकल जाएंगे। सो तेरा नाम कॉल आउट किया था, ओके सो यू गो यू गो। सो यस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने जाए, अगर आपको ये ब्लॉग सीरीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो इसको। हाँ बोल के पैसा मिला। हाय गाइस, तो मैं आ गई हूँ मुंबई में वापस, और गोकर्ण से आए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए, मतलब काफ़ी दिन हो गए, और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में, लास्ट व्लॉग में मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताने वाली हूँ इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू गोकर्ण। सो मुझे लगता है कि ये जो मैं आपको बताऊँगी ना, अरे बापरे कुकर की सिटियाँ विटियाँ सब कुछ बज रही है पीछे से, एनीवे तो ये जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये प्योरली मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू रहेगा, मतलब मैंने वहाँ जाकर क्या एक्सपीरियंस किया और क्या करना चाहिए था और क्या नहीं किया, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने सारे पॉइंट्स इस डायरी में नोट कर लिए, यही वो जो डायरी है जो हम लोग गोकर्ण से लेके आए थे। हाउ ब्यूटिफुल। तो ऑलरेडी आपने ये पहले के दिन वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप सभी को वो वीडियोज बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आए हैं वीडियो के ऊपर, सो आई एम वेरी हैप्पी ऑलरेडी। सो या अभी मैं ज़्यादा बकबक ना करते हुए ये वीडियो को शॉर्ट रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी और आपको ये सारे पॉइंट्स बताऊँगी। सो बेसिकली हम लोग गोकर्ण गए और हाँ हम लोग गोकर्ण गए और फिर हम लोग ने इसे बहुत ही फटाक से प्लान कर लिया कि नहीं कि गोकर्ण जाते हैं करके, और कहाँ जाना है करके, गोकर्ण तो हमारे बकेट लिस्ट में ऑलरेडी था पहले से ही, तो फिर हम लोग ने गोकर्ण प्लान कर दिया। और तो फ्लाइट्स वाइट्स तो हमने बहुत पहले बुक कर लिए थे तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सस्ते में मिला, फ्लाइट्स भी सस्ते में मिले, स्टे भी सस्ते में मिला। तो अगर आप कुछ ऐसे प्लान कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एडवांस में बुकिंग करके रखना सो दैट यू विल गेट गुड डिस्काउंट। एनी वे तो यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने थोड़े से लिख के रखे हैं सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बता पाऊंगी। सो पहली बात तो गोकर्ण है कहाँ पे, राइट? गोकर्ण है कर्नाटका में और ये गोवा से बहुत नज़दीक है, बैंगलोर से ऑल्सो इट इज़ लाइक थोड़ा सा नज़दीक है। तो हम लोग गोकर्ण गए थे, गोकर्ण है कर्नाटका में, तो हम लोग गोकर्ण गए थे गोवा से होके, हम लोग ने मुंबई से फ्लाइट ली थी गोवा तक और गोवा से हम लोग कैब में गोकर्ण पहुंच गए थे। 3 घंटा लगता है गोवा एयरपोर्ट टू गोकर्ण। अगर आप कैब या फिर कार से नहीं जाना चाहते हो तो फिर यू कैन गो बाई ट्रेन जो मडगांव स्टेशन से मुर्डेश्वर स्टेशन या फिर गोकर्ण स्टेशन जाती है, लेकिन आप अगर बॉम्बे से ट्रैवल कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू गो टू गोवा फर्स्ट, मडगांव फर्स्ट एंड देन चेंज अ ट्रेन टू गोकर्ण और मुर्डेश्वर। तो ये है, मतलब आपको 2 बार ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, और अगर कोई डिरेक्ट ट्रेन हो तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ वो ट्रेन से आप चले जाना। ऑल्सो ये मैंगलोर से उडुपी से भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हम लोग जब गए थे तभी हम लोग ने ये देखा कि बैंगलोर से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे एंड हम लोग गए थे तो इट वॉज लॉन्ग वीकेंड, तो फिर या बैंगलोर से भी नज़दीक है तो बैंगलोर से भी काफ़ी लोग वहाँ पर वेकेशन के लिए आए थे। वेयर इज गोकर्ण मैंने बता दिया, हाउ टू गो ये भी मैंने बता दिया, अभी रहोगे कहाँ पर, लाइक वेयर टू स्टे, सी देर आर सो मेनी छोटा प्लेसेस टू स्टे इन गोकर्ण, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है वहाँ के स्टेज कंपेरेटिवली। बहुत सारे होम स्टेज भी आपको मिलेंगे अगर आपको ऐसे कुछ ऑथेंटिक होम स्टे आपको मिल सकता है अगर आप होम स्टे करना चाहते हो तो। तो मेरी सिस्टर गई थी गोकर्ण मेरे जाने के पहले, वो बैंगलोर से गई थी तो उन लोग ने एक ऐसे होम स्टे ट्राई किया था, नॉट एग्जैक्टली होम स्टे बट या ऐसे कुछ तो एक विला था, उसके अंदर वो ओनर्स थे एंड दे यूज टू सर्व मील फूड्स एवरीथिंग टू देम। सो यस, ओ माय गॉड कितना काम चालू है। ओके सॉरी ये पीछे की आवाज़ थोड़ी अवॉइड करना क्योंकि कुछ तो पता नहीं कहाँ पर तो काम चालू है, और जब भी मैं वीडियो करती हूँ तभी उनको काम करना होता है, तभी उनको कुकर लगाना होता है, सब कुछ तभी करना होता है। एनीवे लेट्स गेट बैक टू दी गोकर्ण डिटेल्स।
सो या वेयर टू स्टे का मैंने बता दिया. हाँ तो हम लोग रहे थे स्टोन वुड विला. ओ माई गॉड, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम. एनी वे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी हम कहाँ पर रह रहे थे वो. इट इज ऑलरेडी देयर इन माई डिस्क्रिप्शन, तो आप वहां पर जाके चेक कर लेना. इट इज अ नेचर रिजॉर्ट, मतलब ये से वो जो रिजॉर्ट था वो बहुत ही जंगल के अंदर, बहुत ही पेड़ वेड़ ऐसा रिजॉर्ट था. लेकिन आप अगर जा रहे हो तो आप बीच फ्रंट, बीच साइड भी आप कोई भी होटल या फिर रिजॉर्ट देख सकते हो. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्टेज वहां पर वैसे चीप है, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव है नहीं. और या हम लोग जो गए थे दैट प्रॉपर्टी वॉज वेरी 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 ब्यूटिफुल. लेकिन और भी प्रॉपर्टीज है वहां पर कि जो इक्वली अच्छी है और जो बीच के नजदीक भी है. हमारा थोड़ा बीच से दूर था, अलुप्त था, लेकिन वी एंजॉयड अवर स्टे एट आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ द रिजॉर्ट, सॉरी. एनीवे सो या आप होम स्टेज ट्राई कर सकते हो वहां पर. तो वेयर टू स्टे में ये हो गया. और वहां पर ये भी है, जोस्टल भी है. तो आप अगर इफ यू ओके हैविंग दोस कल्चर अराउंड जोस्टल हॉस्टल वाला, तो आप जोस्टल भी जा सकते हो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवल डेज. ओके, हम लोग वहां पर थे 3 नाइट 4 डेज के लिए. यस, हम लोग वहां पर 3 नाइट 4 डेज के लिए थे. लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें वो दिन बहुत कम लगे क्योंकि हम लोग ने मुरुडेश्वर जाने का प्लान किया उसके अंदर. सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू मुरुडेश्वर व्हेन यू आर इन गोकर्णा, इट विल टेक यू 1 whole day टू गो देयर. मतलब वहां पर जाने के लिए 3 घंटा चला जाता है, आने के लिए 3 घंटा चला जाता है. तो ऐसे तो आपका पूरा दिन मुरुडेश्वर में निकल जाता है. तो हमको वो एक दिन की बहुत कमी महसूस हो गई. और अगर आप जा रहे हो और आप मुरुडेश्वर भी प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट प्लान फॉर 5 days. तो आप गोकर्ण में जाओगे, बीच पे रिलैक्स करोगे और मुरुडेश्वर भी चले जाओगे. एनीवे तो ये हो गया कि आप कितने दिन रह सकते हो. लेकिन आप जब भी गोकर्ण जा रहे हो तो यू मेक श्योर दैट यू वेयर कंफर्टेबल शूज, कंफर्टेबल चप्पल्स एंड नॉट हील्स. ऐसे हील्स वील्स पहन के तो बिल्कुल मत जाओ. वेयर स्लीपर्स, वेयर शूज, क्योंकि वहां पर है ना बहुत ही चलना होता है आपको. कोई भी बीच ऐसे बस रोड के बाजू में नहीं है. लाइक कोई भी बीच पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट यू हैव टू वॉक फॉर अराउंड 5 to 10 minutes. इसलिए उधर के बीचेस ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं, खूबसूरत है, क्लीन है, क्योंकि इजी एक्सेस नहीं है रोड से. यू हैव टू पार्क योर व्हीकल अप ऑन द रोड एंड देन यू हैव टू क्लाइंब डाउन टू रीच द बीच. ऐसे सब कुछ चीज है वहां पर. तो इसलिए इफ यू आर प्लानिंग, टेक कंफर्टेबल चप्पल, कंफर्टेबल क्लोथ्स और कंफर्टेबल शूज विथ यू. ओके, एंड इफ यू प्लानिंग कि आप आपके पेरेंट्स को या फिर आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स को साथ में गोकर्ण लेके जा रहे हो, तो यू मेक श्योर कि मतलब अगर इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम इन देयर नीज और इन देयर लेग्स, सो प्लीज डोंट टेक देम अलॉन्ग विथ यू, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा चलना रहता है. और लाइक सब लोग साथ में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान रखना. लेकिन गोकर्ण में टेम्पल्स है बहुत सारे, मार्केट अच्छी है, ऐसी छोटी छोटी जगहें बहुत अच्छी है जहां पर आप उनको लेके जा सकते हो. सो ये हो गया ट्रैवल डेज. 4 to 5 days हमको ये बहुत ज्यादा कमी महसूस हो गई थी. तो ये तो बिल्कुल ही मत करना. मतलब मैं अभी सीख गई मेरे गलती से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये मत करना. तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिन का, एक दिन एक्स्ट्रा प्लान कर रख लेना अपने आइटिनरी में. मुरुडेश्वर तो जाऊंगी. आप स्पेसिफिकली अलग से मुरुडेश्वर तो नहीं जाओगे कभी. तो अगर आप मुरुडेश्वर गोकर्ण जाते हो तो मुरुडेश्वर बिल्कुल जाओ. ब्यूटिफुल टेम्पल, बीच भी उधर का बहुत ज्यादा ब्यूटिफुल है और क्लीन है. तो अपने मुरुडेश्वर, अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा रहेगा तो यहाँ पर किधर तो लिंक आती जाती रहेगी ऊपर नीचे किधर, तो वो आप देख लेना. मैंने जो भी 3 व्लॉग्स है, ये सारे व्लॉग्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो आप वो सारे व्लॉग्स भी चेक कर लेना. आई एम श्योर इट वुड बी अ वेरी वेरी बिग हेल्प फॉर यू इफ यू आर प्लानिंग टू गो देयर. अच्छा, अगर आप गोकर्ण जा रहे हो और आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे रहेंगे उसके पहले, राइट?
कि गोकर्ण में क्या क्या करने मिलता है, गोकर्ण में क्या क्या होता है, आपने पूरा आरएनडी किया ही रहेगा अगर आप जा रहे हो तो, आपने बहुत ज्यादा गूगल सर्च किया रहेगा, व्लॉग्स देखे रहेंगे यूट्यूब पे, तो वहां पर उन्होंने बताया रहेगा देर आर लाइक 4 to 5 बीचेस दैट यू हैव टू कवर। एक तो है ओम बीच, पैराडाइज बीच एंड हाफ मून बीच एंड वॉट नॉट, और भी कोई बीचेस है। तो आप ये प्रेशर लेके मत चलना कि अगर मैं गोकर्ण जा रही हूं तो मुझे सारे बीच कवर करने हैं। नो, ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये मैं सीखी हूं वहां पर जाकर कि कुछ नीड नहीं हर एक बीच आपको कवर करने की, या हर एक बीच का अपना एक ब्यूटी होता है, ये होता है वो होता है, दैट इज ओके। बट इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एंड यू आर हैविंग दैट प्रेशर, अरे मैं ये बीच पे भी नहीं गई, वो बीच पे भी नहीं गई, इधर तो जाना ही था, तो वो मत करना। रिलैक्स करने के लिए चले जाना, आपको जहाँ पर पीसफुल लगे वो जगह पे आप रुकना, लाइक देर इज नो नीड, नो यू नो व्हाट यू कॉल, कि ऐसे जरूरी ही, देर इज नो कंपल्शन दैट यू हैव टू कवर एवरी डैम बीच, नो, जहाँ पर हो वहां पर रहना, उधर मजा करना और अपने घर वापस चले जाना विथ गुड मेमोरीज। सो नॉट नेसेसरी टू कवर ऑल द बीचेस, राइट? और या यही थे आई गेस, और ये डायरी जो मैं गोकर्ण से लाई वो मुझे आपको बतानी थी। तो ये था जो मेरे डूज एंड डोंट्स थे, वो ये थे। और अगर कुछ रहेगा, अच्छा हाँ, वो गोकर्ण में ना बहुत ज्यादा गाय हैं, बहुत ज्यादा काउज है, रोड पे तो बहुत ज्यादा ऐसे बीच बीच में चलती रहती है। तो अगर आप मेरे जैसे डरते हो उनसे तो थोड़ा संभल के रहना। बाइक अगर रेंट कर रहे हो तो प्रॉपर रेट से ही रेंट करना, हमको एक्सपेंसिव मिली थी तो वो मत करना, बार्गेन करना। मैंने भी बार्गेन करने का बहुत ट्राई किया बट एट दैट मोमेंट ऐसे हो गया कि मार्केट में किसी के पास बाइक्स अवेलेबल नहीं थी रेंट के लिए, और वो लेडी के पास ही थी तो वो थोड़ा सा भाव कर रही थी और उसने कम नहीं किया या लेकिन आप ये मत करना, आप अच्छे से रेंट करना, अच्छा दाम से रेंट करना, आई मीन। और कोविड टेस्ट, हाँ, इफ़ यू प्लानिंग कि आप बाय एयर बाय फ्लाइट आ जा रहे हो तो फिर वेल कमिंग बैक टू बॉम्बे, वेल कमिंग बैक टू मुंबई, आपको कोविड टेस्ट करना ज़रूरी है। तो आप वहाँ से किधर से भी कोविड टेस्ट कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर किधर से भी। कुमटा में है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पर हम लोग गए थे, अगर नहीं हुआ तो आप बॉम्बे एयरपोर्ट आकर टेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपने अभी वीडियो में देखा कि कुछ तो 800 रुपीज़ वो लोग लेते हैं और वो टेस्ट करके ऑन द स्पॉट रिजल्ट, जो रिजल्ट रिपोर्ट आती है विद इन 24 आवर्स। तो यस, आप वो कर सकते हो। और क्या बाकी रह गया मेरा बताना, अच्छा गोकर्ण का नाम क्यों गोकर्ण पड़ा ये मैं आपको बता रही हूँ, वाओ ये मैं अभी बता रही हूँ लेकिन ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। गोकर्ण का नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक शिवलिंग है, एक मंदिर है, मंदिर का जो शिवलिंग है उसका शेप है वो गाय के कान जैसे है, गोकर्ण गाय का कान, गो मतलब गाय, कर्ण मतलब कान। सो उसके लिए वो जगह का नाम गोकर्ण पड़ा, और वो कोई वॉर में शिव, देयर इज समथिंग अ स्टोरी बिहाइंड दैट, आई एम नॉट श्योर कि वो स्टोरी क्या है, बट या इसका नाम गोकर्ण पड़ा क्योंकि वो शिवलिंग का शेप गाय के कान जैसा है इसके लिए। बाकी का स्टोरी मुझे पता नहीं है तो मैं बताऊंगी नहीं, गलत स्टोरी बताने से अच्छा आप बताओ मत। एनीवे गाइस, तो ये था मेरा गोकर्ण का व्लॉग सीरीज, मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। ये 4 वीडियोस बने टोटल, फर्स्ट था मुंबई गोवा गोकर्ण, सेकेंड था द बीच लाइफ, थर्ड वन इज द मुरुडेश्वर एंड द फोर्थ वन इज गोकर्ण इन डिटेल। सो यस, अगर आप प्लान कर रहे हो गोकर्ण तो ये 4 वीडियोज रेफर कर देना और गोकर्ण जाना और मजा करके वापस आ जाना, और बाद में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ मैं आई गेस आई शुड एंड माई वीडियो राइट हियर। अगर अच्छा लगा है ये सीरीज ये व्लॉग्स तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट, और नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो, अगर भी आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, इट्स टोटली फ्री। सो या आई गेस आई एम हाँ डन हो गया है मेरा, तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।